Hello student, welcome to RCI Education of Bansur online classes. Today we see last part of aldehyde and ketones. Okay, in this we see how will we you identify aldehyde and ketones in lab. There will be some basic test is given for this. According to this we can identify in between aldehyde and ketones because both are colorless property show. But in presence of different chemicals, there will be different colors which comes in carbonyl compounds. First of all, see test. In this first we see toluene test. That is already we see toluene reagent की उपस्थिति में toluene test होते हैं और ये अपन देख चुके हैं toluene test क्या होता है. Ammonical silver nitrate की reaction कराई जाती है. Aldehyde जो होते हैं ये silver color का क्या सिल्वर कलर का मिरर बनता है. क्या बनाते हैं सिल्वर कलर का मिरर का फॉर्मेशन होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर. ये कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं. मस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने में फर्स्ट आते हैं टोलेंस रिएजेंट जो एल्डिहाइड देते हैं कीटोन्स नहीं देते हैं. एल्डिहाइड है मोस्टली एलिफैटिक एल्डिहाइड. अगर आपको एल्डिहाइड में भी डिफरेंशिएट करना है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में से कौन सा एल्डिहाइड देते हैं ये रिएक्शन ये एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देते. कौन से देते हैं ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने में टोलेंस टेस्ट को काम लेते हैं. इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन कौन से वाला फेलिंग सॉल्यूशन जो अपने पढ़ते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी उनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड है ये रिएक्शन देते हैं कीटोन रिएक्शन नहीं करते हैं. इससे फेलिंग सॉल्यूशन से नो रिएक्शन टेकन बाय कीटोन्स ओनली एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन एंड रेड पीपीटीज कम रेड कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है. कौन से कलर की रेड कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है. तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन जो होता है स्टूडेंट्स अपन ने देखा है ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है फास्ट. क्या होता है फास्ट होता है. किसका फॉर्मेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं. सेम नंबर के कार्बन जितने सबस्ट्रेट के अंदर होते हैं उतने. बट कीटोन्स जो होते हैं ये स्लो वेरी स्लोली इनका ऑक्सीडेशन होता है और मोस्टली इनका ऑक्सीडेशन होने के फलस्वरूप क्या होता है या तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है. इसका फॉर्मेशन होता है एस्टर का या कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप बनते हैं वो लेस कार्बन के होते हैं. क्या होते हैं लेस कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनते हैं कंपेयर टू किसके सबस्ट्रेट की तुलना में जो स्टार्टिंग में अपन यूज करते हैं. ये तथा ऑक्सीडेशन के अंदर डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं. तीसरा नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन. किससे कराते हैं रिएक्शन इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं ये एल्डिहाइड जो होते हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल देते हैं. कितना डिग्री एल्कोहल देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं. जबकि कीटोन्स क्या करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं. कितने डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं. ये इसके अंदर माइनर है. इसके अलावा अपन देखें ये वाले पांचवा टाइप अगर बात करें नेक्स्ट रिएक्शन टेस्ट की अगर बात करें इसके अंदर तो एक होता है शिप रेजेंट टेस्ट. कौन से वाला शिप रेजेंट टेस्ट है वो एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है कीटोन्स वो टेस्ट नहीं देते हैं. कौन से वाला शिप रेजेंट टेस्ट ये शिप रेजेंट टेस्ट ये वाले देते हैं ये वाले टेस्ट नहीं देते हैं. ओके नेक्स्ट अगर बात करें 6 नंबर पे इसका अगर इनकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन कराते हैं बेस से तो एल्डिहाइड तो रिएक्शन करते हैं कीटोन इससे रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके कीटोन रिएक्शन नहीं करते किससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करते. ये मोस्टली था एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है. टेस्ट होते हैं जो लैब के अंदर किए जाते हैं स्टूडेंट्स कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कैसे डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि दोनों क्या होते हैं कलरलेस प्रॉपर्टी के होते हैं. तो कलर्स अगर इसके अंदर आते हैं किस टाइप के कलर्स आते हैं वो आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है उनमें डिफरेंशिएट करना है ये टेस्ट लगाने होंगे. कौन से वाले फेलिंग टेस्ट टोलेंट टेस्ट है सिप रेजेंट टेस्ट है ये ओनली एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है. ओके डजंट रिएक्शन. इसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो ओनली कीटोन्स देता है एल्डिहाइड नहीं देता है जैसे मेटाडाइनाइट्रो टेस्ट जो प्रोसाइड टेस्ट होते हैं मेटाडाइनाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट ओनली स्टूडेंट्स रेड कलर जो होता है रेड वायलेट कलर की पीपीटी जो अपने को दिखाई देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सिर्फ कीटोन्स देते हैं एल्डिहाइड जो मेटाडाइनाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट नहीं देते. ये आइडेंटिफाई करने के तरीके
कि एल्डिहाइड कौन से टेस्ट देते हैं, कीटोन कौन से टेस्ट देते हैं, इजीली अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैब के अंदर। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप कंप्लीट। नाउ वी कंटिन्यू इन यूनिट नंबर थर्ड पार्ट बी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले वीडियोज में अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो मोस्टली ये यूनिट अपना 75% यूनिट कंप्लीट हो चुका है, 30% कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचा है, वो मोस्टली 4 से 5 वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये यूनिट अपना एंडिंग है। ऑलरेडी अपन यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी अपना कंप्लीट हो चुका है और थर्ड यूनिट अपना ये एंडिंग पार्ट में चल रहा है। ऑलरेडी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री की 3 यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट है वी सी दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल आरसे एजुकेशन हब, सो वी कैन गेट, यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच।